हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम नर्सरी से लाए हुए इस जेब्रा वाइन को पॉट में लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस वाइन को बिल्कुल भी पानी की नीड नहीं होती है, ना ही इसे सनलाइट की ज्यादा नीड होती है। आप इसे छाया में रखिए, ज्यादा पानी और ज्यादा धूप से मर जाता है और इस पौधे को ज्यादा खाद की भी नीड नहीं होती है। इट मीन्स कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो बिल्कुल भी केयर की नीड नहीं होती है। इसके लिए मैंने ली है गार्डन सॉइल और इसमें 10% मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। कंपोस्ट इसलिए मिलाई है क्योंकि इस पौधे को हम पॉट में लगाने जा रहे हैं और इसे ग्रो करने के लिए थोड़ी सी न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी स्टार्टिंग में। फिर देखिए, काफी लंबा पौधा है इसलिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको आप नॉट के पास से कट कर लीजिए और अब इस पौधे को इस बैग से निकालेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, इसकी मिट्टी काफी भुरभुरी थी इसलिए ये निकालते वक्त पूरी निकल गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी को हम हटा ही देते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी मिट्टी निकल गई है। फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा सा गड्ढा करके हम पॉट में इसको लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो कटिंग हमने की थी उसको भी हम इसके साइड्स में लगा देंगे। फिर देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी बास्केट तैयार हो गई है। कुछ दिन में ये ग्रो करके हैंग करने लगेगी और तब मैं इसे एक प्लांट हैंगर में लगाऊंगी। फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करता है। ये आप में से जो भी मेंटेनेंस की वजह से प्लांट को नहीं लगाते हैं, आप इस वाइन को लगा कर देखिए। इसको बिल्कुल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। इसे अब हम हल्का सा पानी देंगे, पानी उतना ही देंगे जिससे इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। पानी देने के बाद इसको फ्रेंड हम छाया में रखेंगे। पौधे को जनरली हफ्ते में एक बार पानी देने की नीड होती है और सर्दियों में तो 15 से 20 दिन में इसको पानी देना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन